इसमें भी हमें एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है। हमें पांचों साइड दे रखे हैं, इसका मतलब एक साइड जो होगी इसमें क्या होगी, डायगोनल होगी। ठीक है, बनाकर देखते हैं। कोई भी साइड ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली क्या TL ले लेते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट लगाइए, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है। अब इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढे जो T और L में दोनों में कॉमन आ रहा हो। TL तो हमने ले चुके हैं, एक तो L पे ये वाला आ रहा है, ठीक है, और एक T पे क्या आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है आई। तो हम ये वाला ले लेते हैं। एल को हमने सेंटर माना, टेक्स अवे फ्रॉम 4 सेंटीमीटर, और टेक्स अस टी को हमने सेंटर माना, टेक्स अस टी एज अ सेंटर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, तो मेक अ ट्राइंगल ITL। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया जो कि ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे कि दो साइड इसमें बराबर है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, तीनों साइड जिसकी इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या चीज़ दे रखी है हमें, क्या दे पता है, एक तो IF दे रखा है और LF दे रखा है। LF कितना दे रखा है, यानी कि ये वाली चीज़ होगी डायगनल। तो कैसे बनाएंगे, L को हम सेंटर मानेंगे, यहाँ से प्रकार की दूरी भरेंगे, और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा इधर की तरफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिससे ये वाली जो चीज़ है इधर की तरफ आ जाए। और हमें क्या दे रखा है, IF दे रखा है, हमें T से कोई भी लेना देना नहीं दे रखा है, यानी कि हमें इधर से बनाना है। आई टेक्स एज अ सेंटर कितने दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये इससे ज्वाइन कर देंगे, इसके मिडल पॉइंट से इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट था, एफ। ये वाली चीज़ देखो हमें पता नहीं था, ये पता लग गए क्योंकि ये वाली चीज़ इससे ज्वाइंट हो गई, तो बचाइए ये इससे भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, देखिए इसकी फिगर कैसी बन रही है, रियल फिगर कैसी बन रही है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, TL ले लिया, फिर 4 सेंटीमीटर का बना दिया, फिर हमने क्या किया, L को पॉइंट माना, L को सेंटर माना, यहाँ पर एक आर्क बनाई कितनी सेंटीमीटर की, 4.5 सेंटीमीटर की, और फिर I को सेंटर माना और यहाँ पर हमने आर्क लगा दी। ठीक है, ये इससे ज्वाइन कर दिया, इसकी ज्वाइंट हमें पता नहीं था कि कितनी सेंटीमीटर है, ये फिर इससे भी ज्वाइन कर दिया। ये देखिए इस वाले नेक्स्ट उसमें ये भी ज्वाइन कर दिया, ये इसकी फिगर बन गई। इसमें भी स्टेप्स वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे इससे पहले वाले उसमें लिखे गए थे। ओके, ये 3 सेंटीमीटर और ये कितनी थी, ये हमें पता ही नहीं थी। ओके, ये कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। ये बना है पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटर, यानी कि जिसकी दोनों डायगनल्स हैं और दोनों दोनों साइड्स भी हैं। ओके, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं इसकी, कि नेक्स्ट पार्ट पर क्वाड्रिलेटर बनाना है GOLD। GOLD हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटर दे रखा है, और इनकी पांचों डायमेंशंस दे रखी हैं। कौन कौन सी डायमेंशंस है, पांचों डायमेंशंस है, यानी कि इसमें कोई ना कोई क्या होगी, डायगनल भी होगी। तो ठीक है, लेते हैं कोई ना कोई एक साइड, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। मैं ले रही हूँ GD ले लो चाहे GL ले लो, ठीक है चलो GL ले लेते हैं, GL बजाज LG होता है वैसे तो। ओके, 6 सेंटीमीटर LG की फ्रिज आता है ना। तो अब बताओ जी और एल में क्या चीज़ जिसमें कॉमन आ रही है, जी और एल किधर आ रहे हैं, एक तो एल इधर आ रहा है, ठीक है, जी से कोई लेना देना, हाँ जी एक तीरा, क्योंकि डी और कॉमन भी मिल गया। अब हमने क्या करा, जी को हमने क्या बना, सेंटर माना, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर उसने आर्क बन गया। ठीक है, पॉइंट हम इधर लेते हैं और इधर की तरफ से पेंसिल की तरफ जो होता है उधर की तरफ आर्क बना देते हैं, और L से हम सेंटर मानेंगे,
अब एल को सेंटर मानेंगे और कितनी कितनी दूरी पे बनाना है, 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो इससे ज्वाइन कर देंगे और ये इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जी और एल है हमें और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब बचा है क्या ओ डी, ठीक है, ये क्या है डी हो गया, ओ डी लेना है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई दूरी होगी, यहाँ पे डायगनल होगा एल से। यस, मिल गया हमें डायगनल, ये रहा 7.5। अब हम एल को सेंटर मानकर 7.5 की यहाँ पर आर्क लगा देंगे, ठीक है, फिर हम डी को पॉइंट बन के, डी को पॉइंट बनाकर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ओ पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, डी को सेंटर मानकर कितनी दूरी पर आर्क लगाना है, 10 सेंटीमीटर को, 10 सेंटीमीटर होगा इधर की तरफ, ठीक, तो ये इससे ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर से, और ये इसको ज्वाइन कर दिया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये वाली चीज़ हमें देने रखी थी, कौन सी चीज़, ओ जी नहीं दे रखी थी, ये हम ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे ओ जी, ठीक है, ये इस तरीके से शेप है, हमने क्या लिया है जी एल लिया है, तो देखते हैं असली में फिगर में क्या है, जी डी, कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जी एल लो, चाहे जी डी लो, चाहे आप और भी कोई भी ले लो, चाहे ओ जी ले लो, कोई भी ले लो, बस शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बस आपकी मेजरमेंट सही होनी चाहिए, आर्क सही से लगाने चाहिए, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ज्योमेट्री का मेन मोटो ये होना, ये होता है कि आपको मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपने सफाई से काम किया हो और उसकी स्टेप्स लिखे हों, एटलीस्ट 5 स्टेप्स लिखने होते हैं, तभी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होता है आई थिंक, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया, जी डी एक लाइन सेगमेंट लिया, जी डी को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगा दिया, जी को फिर सेंटर मानकर, डी को सेंटर माना था, इस बार जी को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर को लगा दिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये जी एल एल डी, ओके जी एल डी ट्राइंगल बना दिया सबसे पहले हमने, फिर ट्राइंगल बनाने के बाद क्या हुआ, फिर डी को सेंटर मानकर यहाँ आर्क लगाया, फिर एल को सेंटर मानकर इस तरीके से आर्क लगाया, फिर इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, फिर नेक्स्ट ओ जी को भी मिला दिया इस तरीके से, ये ओ जी भी बना दिया बीच में सेंटर को मानकर, ये बीच हमारा जहाँ पर कटता है उसी से इसको मिला दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखने की कोई नीड नहीं होती है, यहाँ पर लिखो या ना हो लिखो, ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि हमें दे तो रखी नहीं होती है, ये तो हमारी खुद से आई भी होती है, ये 5 होगी नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की हर एक इसमें अलग अलग है, और शेप से भी आपको देखने को लग रहा होगा कि ये अलग ही होगी, ये 5 तो नहीं होगी, 5 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, इसमें भी हम कैसे कैसे पॉइंट्स लिखेंगे, स्टेप्स कौन से लिखेंगे, सबसे पहले हमने कौन से बनाया, ट्राइंगल बनाया जी एल डी विद द मेजरमेंट्स ऑफ जी डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, डी एल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और जी एल इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमने जी किसे पॉइंट माना था, डी को हमने सेंटर माना था और आर्क लगाई थी 10 सेंटीमीटर की, और एल को सेंटर मानकर हमने आर्क लगाई थी 7.5 सेंटीमीटर की, दोनों को हमने कौन सा पॉइंट बन गया था, वो ओ पॉइंट बन गया था, कौन सा पॉइंट बना, ओ पॉइंट बन गया, ओ पॉइंट बनकर एक इससे ज्वाइन कर दिया और एक इससे ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बाद जब ये सब ज्वाइंट हो गए तो ये वाली चीज़ इससे भी ज्वाइंट हो गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, रोम्बस, रोम्बस आपको पता है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कुछ भी ले सकते हैं, हमने क्या ले ली, 5.6 ले लेते हैं बी एन, डी ई भी ले सकते हैं, 6.5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो हम डी ई ले लेते हैं, ये अलग हो जाएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में जो सॉल्व किया है वो कैसा है, तो मैं इसमें ले लेती हूँ डी ई, ठीक है, डी ई 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है, ठीक है, डी ई इससे कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा, एक पहली चीज़ ये देखिए,
क्योंकि ना तो डी बी से कनेक्ट हो रहा है ना एन इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले प्रोटेक्टर लेंगे, प्रकार लेंगे अपना, इस पे पॉइंट रखेंगे और इससे आधी से ज़्यादा, ये कितनी है, ये इसकी आधी से ज़्यादा हमने दूरी लेकर, किसकी 6.5 के दूरी लेकर यहाँ पर आर्क लगाएंगे एक, ठीक है। और फिर उसके बाद उतनी ही दूरी लेकर कोई भी प्रकार में हिला डुला नहीं करेंगे, जितनी यहाँ से हमने डिस्टेंस ली थी यहाँ तक, वैसी यहाँ से यहाँ पर इसको काट देंगे, ठीक है। फिर वही दूरी लेकर ई को सेंटर मानकर को यहाँ पर लगा देंगे और वही दूरी लेकर डी से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ये 5.6 है, क्योंकि हमें 5.6 बनाना है, बी एन तो बनाना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी, इस पूरे की दूरी जो होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 5.6 होनी चाहिए। यानी कि 5.6 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 2.24, एक इधर जाएगा 2.8, यानी कि यहाँ पर जो होगी 2.8 होगी और यहाँ पर भी 2.8 होगी, ठीक है। यहाँ पर भी 2.8 होनी चाहिए, चाहे ये इस वाले कट से भी ऊपर चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2.8 यहाँ पर होनी चाहिए। फिर जैसे हमने मान ली कि 2.8 यहाँ तक है, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक है, और यहाँ पर भी 2.8 मान ली हमने यहाँ तक है, तो ये पूरी की पूरी ली जाएगी। ऐसा नहीं कि जहाँ पर क्रॉस हो रहा है कि बस वहीं पर तक एंड कर दें, नहीं, ये क्योंकि 2.8 है और ये भी 2.8 है, तभी तो मिलकर बनेगा क्या, 5.6 बनेगा। इसलिए फिर हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ये हमें साइड्स नहीं पता थी, ये क्या थी हमारा बी और ये क्या है एन, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेज करते हैं, बहुत खींची पीछी हो गई। ये 2.8 हटा रहे हैं, ये वाला 5.6, ये इस तरीके की फिगर बनेगी। ये एन पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। देखते हैं असली फिगर कैसी बन रही है, ये तो बहुत बेकार बेकार सी बन रही है। कैसी है? सबसे पहले 5.6 सेगमेंट लिया हमने, मैंने लिया था डी ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप डी ई लो चाहे बी ई लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा शेप में डिफरेंस हो जाएगा और कोई चौथा डिफरेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है। 5.6 लिया हमने, लाइन सेगमेंट लिया, फिर उसके बाद यहाँ से आधी से ज़्यादा, इसके आधी से ज़्यादा हमने क्या लिया था, आधी से ज़्यादा इसमें दूरी भरकर यहाँ पर आर्क लगाया और वही सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ पर आर्क लगा दिया, ऐसे इधर नीचे लगा दिया और एक इधर नीचे लगा दिया। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3.25 होगी और यहाँ पर भी 3.25 होगी। ये आप चेक कर रहे होंगे कि इस आर्क से भी आगे की तरफ जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा आर्क इसलिए होता है, इसके अंदर आर्क इसलिए है क्योंकि ये किस में लेकर आ रही है, सीधी लाइन में लेकर आ जाएगी और इसके आधी से ज़्यादा दूरी पर लेकर आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको और इससे इसको और ये वाली इससे, ये वाली एंगल क्या था, डी और ई। तो हमारा रोम्बस बन जाएगा कौन सा, बी डी एन ई, या फिर क्या नाम दे रखा था, बी ई एन डी, बी ई एन डी, ये बी ई एन डी रोम्बस बन गया। और ये देखो 6.5 है, इधर 3.25 और इधर भी 3.25, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लाइन कितनी है, 6.5, और ये कितनी हो जाएगी, 4.5। हमने मीज़र करके देखी, ये भी 4.5 आ रहा है, ये भी 4.5 आ रही है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और लोगों से, क्योंकि इसमें हमारी दोनों में से कोई भी लाइन सेगमेंट में कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा था, आपने देखा था, क्योंकि एक था बी ई बी एन और एक था डी ई, ठीक है। इसके मैं लाइन सेगमेंट्स के पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, इसके स्टेप्स लिखवा देती हूँ, पॉइंट्स नहीं स्टेप्स। पहला क्या है, पहला क्या लिया था हमने,
मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग चलूँगी जो हमने BN लिया था. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आप इसमें BN की जगह DE भी लिख सकते हैं. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BN ऑफ 5.6 सेंटीमीटर एंड आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? ये जो हमने ये बनाया था ना, ये जो चीज़ थी, ये क्या है हमारी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये 90 डिग्री बनाता है. बाइसेक्टर का मतलब होता है ये यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस पे काटता है और ये इधर भी इक्वली डिस्टेंस पे काटता है. ये क्योंकि 3.25 था और ये वाला भी 3.25 था, अगर आप इन दोनों को भी मेज़र करोगे तो ये दोनों भी इक्वली आएंगे. चाहे आप हल्का सा भी आधे से ज़्यादा लेके भी चलेंगे तब भी ये इक्वली बैठेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही डिस्टेंस लिया गया है. लेकिन शर्त यह है कि आपको इसमें प्रकार में कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए. जो भी आपने बी पॉइंट से डिस्टेंस लिया था वही एंड पॉइंट से लोगे, वही आप नीचे भी रखोगे, इस वाली आर्क में भी रखोगे और इधर वाली आर्क में रखना चाहिए, तभी आपकी ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल आएंगी, ये वाली डिस्टेंस भी और ये वाली भी और ये वाली भी, और आपके ये दोनों मिड पॉइंट्स भी इक्वल आएंगे. ओके, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या किया था? टेकिंग ओ एज अ सेंटर. ओ कौन सा सेंटर था? ओ पॉइंट था ये. ओ पॉइंट था ये हमारा, ये तो हमारा डी था और ये हमारा ओ था. हमने क्या किया? ओ एज अ सेंटर ड्रॉ आर्क्स ऑफ अ 3.25. चाहे आप इसमें, हाँ ठीक है, 3.25, क्योंकि यहाँ पर भी 3.25 की थी, यहाँ पर भी जो डिस्टेंस थी वो भी 3.25 की थी और यहाँ पर भी 3.25 की. यहाँ पर हमने क्या किया था? हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेगी, ठीक है. फिर हमने क्या बनाया था? आर्क बनाया था ऐसे करके, फिर इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया था. वही इसमें हो रहा है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर ड्रॉ अ आर्क ऑफ अ 3.25 रेडियस टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए पॉइंट ऑफ डी एंड ई. ओके, मैं इसे लिख भी देती हूँ. ये पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा, सेकेंड पॉइंट में लिख देती हूँ. सेकेंड पॉइंट था टेकिंग ओ एज अ सेंटर ड्रॉ अ आर्क 3.25 सेंटीमीटर रेडियस टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए पॉइंट ऑफ डी एंड ई. ओके, चाहे आप इसमें टेकिंग एज ए पॉइंट ओ ले लीजिए, क्योंकि आपने क्या किया था? हमने तो बी को सेंटर माना था, ठीक है. यहाँ पर हमने बी को सेंटर मानकर यहाँ पर आर्क लगाई थी, आधी से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर, और ऐसे ही एनसो यहाँ पर डिस्टेंस को लेके गई थी. चाहे आप ये वाला पॉइंट बढ़ाकर लिख दीजिए, ये वाला ना लिख कर आप कैसे लिख सकते हैं? सेकेंड में टेकिंग बी, बात वही पड़ेगी, चाहे आप ओ से भी बनाओगे
ओके को सेंटर मानकर 3.25 का डिस्टेंस बर्गर बनाओगे आर्क तो भी ऐसी बनेगा, ठीक है। टेकिंग लेकिन ये वाला अच्छा है, होता है टेकिंग बी एज अ सेंटर, टेकिंग बी एज अ सेंटर टेक्स टेक्स ग्रेटर देन द हाफ ऑफ लेंथ, ग्रेटर 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 देन द हाफ ऑफ डिस्टेंस, किसकी हाफ ऑफ डिस्टेंस किसकी ली थी हमने, ग्रेटर किसकी ली थी हमने डी ई की, किसकी ली थी डी ई की या बी ई की, किसी की भी ले सकते हैं, हमने इस वाले क्वेश्चन में ली थी बी एन की, ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस देन देन टेक्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देन मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एट ए पॉइंट ऑफ डी एंड ई, ओके ये आपके पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आप क्या लिख दोगे, डी बी से डी ज्वाइन कर दीजिए, एन से डी ज्वाइन कर दीजिए, एन से ई ज्वाइन कर दीजिए और ई से बी ज्वाइन कर दीजिए, जैसे इसमें ही ज्वाइन किया गया है। इरेज ऑल, लास्ट वाले पॉइंट में लिख दोगे आप डी और ई बनने के बाद आपने ई और एन को ज्वाइन कर दीजिए, एन और डी को ज्वाइन कर दीजिए और बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए और बी और ई को ज्वाइन कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। थैंक यू सो मच।